नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी नाउडेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्विफ्ट कोड क्या होता है, स्विफ्ट कोड की आपको कब जरूरत पड़ती है और कैसे आसानी से आप अपने बैंक का स्विफ्ट कोड पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं कि स्विफ्ट कोड आखिर होता क्या है। दोस्तों, स्विफ्ट कोड में स्विफ्ट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। मतलब जब आप कोई इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि आपको किसी दूसरी कंट्री से पैसे मंगवाने हैं या आपको किसी दूसरी कंट्री में किसी को पैसे भेजने हैं, तो ये सोसाइटी आपको एक सिक्योर नेटवर्क प्रोवाइड करती है जिससे आप किसी दूसरी कंट्री से पैसे मंगवा सकते हैं या किसी दूसरी कंट्री में पैसे आसानी से भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई कि स्विफ्ट कोड आखिर होता क्या है। अब बात कर लेते हैं कि स्विफ्ट कोड की जरूरत आपको कब पड़ेगी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि स्विफ्ट कोड की जरूरत आपको तब पड़ती है जब आपको किसी दूसरी कंट्री से पैसे मंगवाने हैं या किसी दूसरी कंट्री में आपको पैसे भेजने हैं। दोस्तों, अगर आपका यूट्यूब चैनल है जो कि एडसेंस से लिंक है, तब भी आपको स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, जब आपके एडसेंस अकाउंट में $10 हो जाएंगे तो वहां पे आपको पेमेंट मेथड ऐड करने का एक ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपको अपने बैंक की डिटेल्स डालनी होती है और साथ ही बैंक का स्विफ्ट कोड भी डालना होता है। अब बैंक की डिटेल तो सब डाल देते हैं, लेकिन जब बात आती है स्विफ्ट कोड की तो लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर अब ये स्विफ्ट कोड हमें कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये स्विफ्ट कोड या तो आपको अपने बैंक से मिलेगा या आप इसे ऑनलाइन भी पता कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने बैंक में जाते हैं और वहाँ आप बोलते हैं कि मुझे इस बैंक का स्विफ्ट कोड चाहिए, तो बहुत से बैंकों में लोगों को पता ही नहीं होता कि स्विफ्ट कोड होता क्या है, क्योंकि असल में हर किसी बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं होता। अब आपका अकाउंट जिस बैंक में है उस एरिया में उस बैंक की जो मेन ब्रांच होगी उसका स्विफ्ट कोड होगा। तो अगर आप बैंक जाकर पता करते हैं तो आपको उन्हें यह बताना होगा कि आपके कहीं बाहर से पैसे आने वाले हैं जिसके लिए आपको उस बैंक का स्विफ्ट कोड चाहिए, तो वो आपको उस एरिया में जो उनकी मेन ब्रांच होगी उसका स्विफ्ट कोड प्रोवाइड करा देंगे। और अगर आपको बैंक जाने के बाद भी स्विफ्ट कोड नहीं मिलता तो आप उसे ऑनलाइन भी पता कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे कोई भी ब्राउजर खोलना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे एक ब्राउजर खोल लेते हैं। अब आपको इस ब्राउजर में सर्च करना होगा फाइंड स्विफ्ट कोड। अब मैं यहाँ पे फाइंड स्विफ्ट कोड टाइप करके सर्च करता हूं तो आपको जो पहला ऑप्शन मिलेगा आपको उसे खोल लेना है। यहाँ पे आप इस पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें पहले आपको यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना होगा, तो मैं यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब आपको यहाँ पर अपनी सिटी सेलेक्ट करनी होगी, तो यहाँ पे मैं सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे सिटी सेलेक्ट कर दी है। अब मैं यहाँ नीचे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे तीन कोड दिख रहे हैं। तो देहरादून में SBI की तीन ऐसी ब्रांचेज हैं जिनके स्विफ्ट कोड हैं, तो यहाँ से मुझे अब उस बैंक का स्विफ्ट कोड लेना होगा जो कि मेरे बैंक से सबसे ज़्यादा पास है। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि इनमें से कौन सा बैंक मेरे बैंक से सबसे ज़्यादा क्लोज है। तो पहले वाले स्विफ्ट कोड को चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिटी दिखा रहा है देहरादून और ब्रांच दिखा रहा है तेल भवन ब्रांच। अब हम यहाँ से दूसरी चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिटी तो सेम आ रही है देहरादून और ब्रांच आ रही है मेन ब्रांच देहरादून, जिसका एड्रेस भी दिखा रहा है कि 4 Convent Road देहरादून। अब हम तीसरा वाला सेलेक्ट करके देखते हैं। तो इसकी भी आप ब्रांच देख सकते हैं कि ये भी NRI ब्रांच है देहरादून की और इसका एड्रेस भी 4 Convent Road देहरादून है। तो दोस्तों, यहाँ से आपको तीन स्विफ्ट कोड मिल चुके हैं। अब आपके बैंक से जो भी ब्रांच सबसे ज़्यादा क्लोज होगी आप उसका स्विफ्ट कोड डाल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ तो देहरादून में आपको तीन स्विफ्ट कोड मिले, बहुत सी ऐसी भी जगह होंगी जहाँ पर आपको सिर्फ एक ही स्विफ्ट कोड मिलेगा। जैसे अगर यहाँ देहरादून की जगह मैं यहाँ धर्मशाला सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर टैप करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मुझे एक ही स्विफ्ट कोड का ऑप्शन मिल रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर आप अपनी सिटी डालकर चेक कर सकते हैं कि आपकी सिटी में आपके बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है। और अगर आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन दिखते हैं तो आपके बैंक से जो आपकी सबसे ज़्यादा क्लोज ब्रांच हो आप उसका स्विफ्ट कोड डाल सकते हैं।
तो दोस्तों आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैसे आप ऑनलाइन शिफ्ट कोड को पता कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे और भी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाते हैं, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।